ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे भी तो ढूंढे, ढूंढने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पूरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। तो हम अपने मेरी दो में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। देखें मॉन्स्टर ट्रक ने कितना यार बारिश में एंजॉय किया, इसकी वजह से सारे मिनी दो की सफाई भी हो गया। ये देखिए कितना यार क्लीन हो गया। और ये देखिए यार कितना अच्छा यार मौसम हो गया। ये देखिए तो चले दोस्तों सब अपनी छोटू गैंग को बाहर निकालते हैं ताकि वो मौसम का तो उठा सके और एंजॉय कर सके। तो आज हमने ना अपनी जो डक्स लेके आए हैं उसके लिए पार्टनर भी लेके आना। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये ले दोस्तों ये आ गई हमारे छोटू गैंग बाहर और ये डक्स है, इसके लिए नहीं चला अब पार्टनर लेके आते हैं। ये देखिए और कुछ ये चावल नीचे गिरे हुए थे, ये देखिए कितने शौक से यार खा रहे हैं। तो चले दोस्तों डक्स के लिए अब इसकी पार्टनर लेके आते हैं ताकि ये इसके साथ एंजॉय कर सके। तो चले जाते हैं। चले दोस्तों ये डक्स लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखते हैं कि मिलती है नहीं मिलती, इंशाल्लाह मिलेगी। दोस्तों हम आगे और इनमें से एक बतखा लेके जाएंगे अपने पार्टनर बतख के लिए। तो जल्दी जल्दी इनसे लेते हैं तो लेके जाते हैं। ये देखिए हमारे मिनी दो में अपनी डक्स का पार्टनर ले आए हैं। ये ले दोस्तों इन मुर्गों के लिए दाना खाना वगैरह लेके आ गए हैं, रोटियां पानी में भिगोई थी वो और चावल। इनका ये तो फायदा है ना कि घर का किचन में जितना वेस्ट होता है चावल वगैरह रोटियां वगैरह वो अल्हम्दुलिल्लाह ये खा लेते हैं, इनका ये बहुत फायदा यार। तो चले इन सबको डाल देते ताकि ये खा सके। दोस्तों चेक करें कितने शौक से यार ये हमारे जानवर दाना वगैरह खा रहे हैं। तो न्यू बतख पता नहीं क्यों नहीं बाहर आई, तो उसको भी बाहर निकाल देते ताकि वो भी खा सके। तुम भी खा लो, क्यों आपस में फायर कर रहे हैं, खा लो। पता नहीं क्यों नहीं अभी खा रही, फिलहाल अभी अपने कैबिन में जा रही है, अभी खा लेगी जब इनका दिल करेगा। जब इकट्ठे रहेंगे ना एक दो दिन तो इंशाल्लाह अपने आप को साथ में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ले दोस्तों ये लैला और मजनू के लिए हमने इनकी डाइट ले ली है, इनको डाल देते हैं वहां आगे ताकि ये खा सके। अला दोस्तों चेक करें कितने शौक से यार ये खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब ये सिर्फ मुर्गा और मुर्गी रह गए हैं, इनको दाना डालना ताकि ये भी खा सके, तो इनको भी डाल देते हैं। चले दोस्तों सब परिंदों को दाना डाल गया, मुर्गी के बच्चों को भी, लाला और मजनू को भी, कॉकटेल को, सबको यानी कि दाना डाल दिया हमने और सबके सब बड़े शौक से खा रहे हैं। तो चले अब हम देखते हैं लैला और मजनू की पार्टनर ने यानी कि मजनू की पार्टनर ने लैला ने अंडा दिया है कि नहीं दिया वो देख लेते हैं। अगर तो दिया तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं दिया तो फिर बहुत अफसोस की बात होगी। तो चले देख लेते हैं, उम्मीद है कि इसने आज अंडा दिया होगा क्योंकि कल तो इसने नागा किया है और आज अंडा दिया होगा। तो चले देखते हैं। चले दोस्तों लैला कर लिया, तो कल इसने नागा किया था तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इसने अंडा दे दिया। और हमारे मिनी जू में जो नया मेहमान आया यार बहुत ही खूबसूरत है और आपको भी उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा हमारा न्यू मेहमान। तो ये देखिए आपने पिछली वीडियो में देखा है कि हमारे एग प्लांट्स यानी कि ब्रिंजल बैंगन के पौधे जो हैं उसके ऊपर कितनी अच्छी यार फ्रूटिंग आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा यार बैंगन छोटा सा लग रहा है, कितना क्यूट सा लगता है। और ये फर्स्ट टाइम मेरे मिनी जू में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा यार रिस्पॉन्स मिला है। तो ये देखें गुले तो पहरी कितना अच्छी इसकी कली खिल गई, फ्लावर कितना अच्छा यार आ रहा है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ दे मुझे इजाज़त और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो देख सकें
अल्लाह हाफिज़।